जी वेलकम बैक, हम वापस आ गए। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, निदा फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम निदा। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं उरुज? जी वालेकुम सलाम। बेटा थोड़ा ऊंचा बोलो, क्या कहोगे? जी उरुज, मुझे मरियम से बात करनी है। कहाँ से? मरियम से बात करनी है, अपनी अपनी बहन अच्छा की बिल्कुल शादी के मरियम से लिए। बात कीजिए, बिल्कुल कीजिए मरियम से बात। जी अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी वो मरियम, मुझे आपसे अपनी अपनी बहन के बारे में, शादी के बारे थोड़ी में सी पूछना। जरा वॉल्यूम आवाज का खोलिएगा प्लीज एमसीआर से, और आप भी थोड़ा ऊंचा बोलिए। जी मुझे अपने और अपनी बहन की शादी के बारे में पूछना है। अपनी शादी के बारे में पूछना है जी, मरियम बहन की और अपनी। अच्छा आपको अपनी और अपनी बहन की शादी के बारे में पूछना है, जरा डेट ऑफ बर्थ भी बता दो बेटा। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 21 जनवरी 1983। ओके और बहन की भी बता दें, और भाई की भी, सॉरी बहन की भी बता दो साथ ही, अगर कोई भाई है तो उसकी भी बता दो। अच्छा उनकी 15 दिसंबर 15 दिसंबर 1974। जी शादी के बारे में पूछना है कि कब होगी और अपनों में अगर हमें शादी के बाद की जिंदगी बेटा कुछ कैसी समझ नहीं आ रही मुझे, इफ यू कैन एमसीआर में अगर आप लोगों को समझ आ रही है कि वो क्या कह रही है, शादी कब होगी आपकी और अपनों में होगी गैरों में होगी और शादी के बाद की जिंदगी। अच्छा शादी के बाद की जिंदगी, मतलब शादी के बारे में। अच्छा जी इनकी शादी 2012 में टू जून के बाद शुरू होगी। शादी अपनों में नहीं है, इनफैक्ट शादी पाकिस्तान से बाहर है। अच्छा। और इनकी शादी का एक चीज़ बहुत अच्छी आई है, जो सेंसिटिविटी थोड़े कार्ड्स आए हैं, मीन इनके हस्बैंड बहुत केयरिंग, बहुत सेंसिटिव और बड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा। तो इंशाल्लाह दैट्स गुड न्यूज़ फॉर यू। जहाँ आपकी बहन का आपने पूछा है, दैट्स यहाँ पे थोड़ी सी उनका नज़र का या थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी शादी के पॉइंट से आई है, तो वो या वदूदो या लतीफ़ो और सूर्य कौसर का खुला वर्त करें। इनकी अगर ये थोड़ी सी ब्लॉकेज ख़त्म हो जाए तो ये भी 2012 फरवरी के बाद सिचुएशन निकलती है, बट यहाँ में कुछ स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है। आपका तो क्लियर है। अच्छा स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस जब आप कहती हैं तो क्या मतलब उसका? देखें जी स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस में जो सबसे पहले या वदूदो या लतीफ़ो आप देखें, ये अल्लाह के 99 नेम्स में मैरिज से कंसर्न्ड होते हैं। या वदूदो या लतीफ़ो, लतीफ़ो इज़ फॉर लव, या वदूदो और लतीफ़ो को कम्बाइन करें तो दैट इज़ फॉर मैरिज। सूर्य कौसर दुश्मनी के लिए होती है, तो आप इनको रिपीटेडली पढ़ें और इनका काउंट 11 डेज हो सकता है, 21 डेज हो सकता है, 41 डेज हो सकता है, तो इससे ये रिमूवल होगा। इनकी बहन का आ रहा है, इनका बिल्कुल क्लियर है। चलें चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। इफ्तिखार की कॉल है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही साथ जाहिर है जो कि आज हमारा टॉपिक है कि हमने गुफ्तगू करनी है कि नहीं, जो नजरे बद जिस तरह से आए हैं उस हवाले से भी हम बात करेंगे किस तरह से इसको हटाया जा सकता है और तोड़ा जा सकता है, तोड़ किया जा सकता है नजरे बद का। जी इफ्तिखार अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी जी बोलिए इफ्तिखार, आपका क्या सवाल है मरियम से और आपकी डेट ऑफ बर्थ साथ जरूर बताइएगा। जी अरूज बाजी, मैंने आपको पहले तो अस्सलाम वालेकुम कहना था। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी बात ये कि मेरी फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल मिली है, मैंने आपको और अरूज बाजी को बहुत बहुत मुबारक देनी थी। और दूसरी है कि आज का दिन के हवाले से जो आपने बात की है ईद मुबाहला का, आवाज थोड़ी खोलिएगा प्लीज, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। जी आप थोड़ा बोले क्या कह रहे। अच्छा अच्छा अरूज बाजी, आप ये मेरी मिसेज से बात कीजिए प्लीज। जी करवाइए जी। मिसेज इफ्तिखार अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल करम अल्लाह का जी, क्या कहेंगी आप? जी मैं आपको कहूंगी आज का दिन भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ मैंने ईद लदीज वाले दिन भी बहुत ट्राई किया था लेकिन मेरी कॉल नहीं मिल सकी। बहुत खुशी होती है कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, चले ताकि पता चले लोगों को कि हमारी ये भी ईदे है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी दुआओं में भी आप मुझे याद रखिएगा, बड़ी मेहरबानी। जी मरियम जी, हम जरा तोड़ की तरफ आ जाएं, बिकॉज बहुत सारे लोग नाला हो गए थे, पिछली दफा डिस्कस कर लिया, बताया नहीं हल। किस तरह से बचा जा सकता है? जी पहले तो आयतुल कुर्सी और हमारे पास चारों कोल स्पिरिचुअल चीजें हैं, उसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है वो सी सॉल्ट है। अच्छा अगर आप सी सॉल्ट को से अगर आप फील करें नज़र है और कई दफ़ा नज़र से यू नो सिर खिंचा भारी कंधे भारी रहते हैं, तो आप सी सॉल्ट को अपने बाथ में यूज़ करें।
अच्छा, सी सॉल्ट यानी जो काला नमक होता है, समुद्री नमक, समुद्री नमक। अच्छा, हाँ, मैंने ये सुना था कि अगर आप बाल्टी में पानी मतलब डाल के और आप अगर आखिर में बिल्कुल आप अगर उससे थोड़ा सा वो तो ये है कि आपके जितने बॉडी में पॉइंट्स है ना वो सारे नेगेटिव एनर्जी क्लियर कर देते हैं। ब्रिलियंट। और एंड इट्स वेरी इजी टू डू, इट्स वेरी वेरी इजी। और दूसरी ये है कि क्योंकि नज़र को अगर हम अंग्रेजी में कहें और इसको स्टडी भी कहें तो ये ऑरा होता है, यानी जो हाला हमारे गिर्द गिर्द होता है। बिल्कुल सही। इसमें हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर एक तरीका बताते हैं जिसको कहते हैं नज़र तोड़ने का साइंटिफिक तरीका। उसमें ये है कि हर लेयर जितने जितने पॉइंट्स पे है उसमें सूर्य कौसर किस किस तरह से रिपीट करनी है, ठीक है, और फिर सी सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। आप देखें कि ये बहुत पुराना एक टोटका होता था कि फटकरी आपसे आप नज़र उतारते थे ऐसे। और उसके बाद जो सैंडलवुड की अगरबत्ती होती है, हाँ। अगर आप वो कॉर्नर्स में लगाएं तो उससे ये होता है कि हमारे घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। उसके बाद लेमन ग्रास की भी अगरबत्तियाँ मिलती हैं, उससे ये होता है कि अगर कोई ऐसे मेहमान आए हो और दूसरा आपने बताया लेमन ग्रास की अगरबत्तियाँ मिल जाती है, अगरबत्तियाँ मिल जाती है। एक तो होती है तबाही कुन अगरबत्ती जो आपका नाम है वो तो आपको हेडेक दे देती है, इसका अरोमा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन आजकल आप देखेंगे अरोमा थेरेपी की बहुत ज्यादा आई हुई है और इनके ऊपर भी हम रेकी भी करते हैं। अच्छा। और ये अगर आप मेरे ईमेल पे लिखे maryamaftab@hotmail.com तो हम इसको फर्दर गाइडेंस दे देंगे। दूसरी चीज है ये देखें, अगर कई लोग बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरैक्टिव काम करते हैं और जहाँ पे राइटिंग का है तो ये काले धागे में कोलोवल्ला जो है ये भी आपकी नज़र को ख़त्म करती है। बाकी स्टोन्स बड़े इफेक्टिव होते हैं। सबसे इफेक्टिव स्टोन जो हज़रत अली का भी बड़ा फेवरेट था, दैट इज़ अकीक। अकीक बड़ा रूहानी स्टोन भी होता है, और अकीक, जेड और कोरल, ठीक, जो ये रिंग में सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। अच्छा, ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है। इस पे ये देखें, ये आपका अकीक है जो कि इसमें ये प्लेन नहीं है, ठीक, और इसके भी आप कई इसको पहन सकते हैं। तो पत्थर का ये होता है कि कई दफ़ा आपने देखा होगा पत्थर घूम जाते हैं, पत्थर टूट जाते हैं, तो इस तरह नज़र का अगर हम रेगुलरली एक कर लें। अच्छा, कई दफ़ा होता है कि आप आयतुल कुर्सी का पानी पढ़ के वो भी फेंकें, वो यूजुअली पानी का ये होता है कि कई दफ़ा अच्छी नज़र भी लगती है, ठीक। हाँ, तो जो वाटर एलिमेंट्स होते हैं माओं की कई दफ़ा लग जाती है, कई दफ़ा आपने सिर्फ बहुत कम लोगों को बुलाया हो और किसी बच्चे की बहुत ज़्यादा तारीफ हो, तो उस तरीके में आप ये करें, उसमें सी सॉल्ट और इनके अलावा आप पानी पे पढ़ के आयतुल कुर्सी और अपने घर के चारों कोनों में करें। वाटर से नज़रें बद से ज़्यादा अच्छी नज़र का तोड़ने का ताल्लुक होता अच्छा, है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लेके इनको रेगुलर प्रैक्टिस में रहें तो वैसे भी बंदा बड़ा एनर्जेटिक और हेल्दी रहता है। अच्छा, मेरी मदर इन लॉ अगर कभी ऐसा हो ना कि लगे कि नज़र लगी हुई है और कुछ ऐसा तबीयत खराब हो जाए, तो वो पता है कहती हैं कि नमक लेके ना, इवन नमक जो आम हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसको वार के तो पानी में बहा दो। बिल्कुल, वो नमक का तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और अगर सी सॉल्ट हो जाए तो दैट्स ब्रिलियंट। बिल्कुल सही। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, और सबसे अहम चीज़ जो आपने बताई वो कुल शरीफ है। बिल्कुल, आयतुल कुर्सी, कुल अच्छा, इसी हवाले से कोई सवाल अगर आपके हों तो आप हमें डेफिनेटली कॉल कीजिए। मगर एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ज़ाहिर है बहुत सारी केस स्टडीज़ आपके पास आती हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी केस स्टडी जो जिसे कहते हैं ना, जो आपको भी हिला के जिसने बिल्कुल, रख दिया। बिल्कुल। अच्छा, हम वो जानते हैं, एक कॉलर आ गए इससे पहले कि डिस्कनेक्ट हो जाए। फरहत, राइट जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फरहत, क्या हाल है अरुज अभी? बिल्कुल ठीक ठाक, क्या कहोगे, कुछ पूछना है? जी, मैंने मरियम आफ्ताब से पूछना था कि मुझे 1.5 साल हो गया है, मैं कशमकश की शिकार हूँ, मगर मैं इन चीजों पर इतना यकीन तो नहीं करती थी। मैं बहुत यानी कि परेशान हूँ और तबीयत ठीक नहीं रहती, तो किस हवाले से परेशान हो? आप इसे पूछ कर दे दो। किस हवाले से परेशान हो? यही, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, मैं अपने बच्चों को भी नहीं संभाल सकती, पता नहीं क्या मसला है, तवीज है या क्या है, सब दुश्मनी वगैरह की वजह से पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लोग, अच्छा आप मुझे बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ 10/3 है। अच्छा जी, ठीक है। अभी आपको October, आपको बताती हैं कि क्या सिलसिला है और क्या है, लेकिन अपने लोगों की, ठीक है, बहुत अहम होती है ये चीज़ कि आपको पता है कि बहुत लोगों की नज़रें भी होती हैं, दूसरे को खुश नहीं रख सकते, मगर सुनिए क्या कहती है मरियम। देखिए, इसमें बात यह है कि नज़र का एलिमेंट तो हर एक
उसमें होता है, जितने अभी हमने पहले बताई हैं उनमें से आप सूरह कौसर को 7 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के पढ़ें। लेकिन आपका हेल्थ कार्ड जो है ना, हेल्थ कार्ड बहुत अच्छा आया है। सो इसमें ये एक मैं कहूँ कि कोई कोई हेडेक की प्रॉब्लम है या लो एनर्जी, जैसे आपको बताया बच्चों को, मेरा ख्याल है कि आपका दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा कई दफ़ा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में इंक्लूड हो गया, और हर दफ़ा ये एक थोड़ा सा वहम की तरफ जाता भाभी मुझे लगता है। तो इसमें जैसे मैंने पिछली दफ़ा जिक्र किया था, अब अगर आप बरियम आफ्ताब हॉटवेल पर लिखें और लाहौरी में है तो पॉजिटिव थिंकिंग की सीडी जो है उसको सुने, और थोड़ा सा कोशिश करें कि नेगेटिव अगर बीमारी भी आए तो माइंड ओवर बॉडी उसको फाइट करने की कोशिश करें। आपके हेल्थ हाउस में कोई ख़राबी नहीं है, और थोड़ी सी वॉक और न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, वहाँ पे कमी आई हुई है, सो हो सकता है उसकी वजह से एनर्जी लो हुई है। थोड़ी सी वॉक और पॉजिटिव टॉक, ठीक है, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इसलिए बिकॉज इतना नेगेटिव सोच सोच के कुछ होता नहीं है, आप अज्यूम करते रहते हैं शायद वो मेरे बारे में ये कर रहा है या मुझ पे ये कर रहा है। बहुत दफा होता है कि जरा सी चीज होती है तो हम पैरानोया में उसको डेवलप कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉल है हमारे पास दुबई से। अस्सलाम वालेकुम जी बुशरा। हां जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में नहीं, मैं उसकी मदर बात कर रही हूँ, अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी जी फरमाइए, क्या शादी के बारे में ना। अच्छा, बेटी की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1981। अच्छा, और तारीख? 2 जून। अच्छा, 2 जून 1981। बुशरा साहिबा अभी आपको बताती हैं मरियम। अच्छा जी बुशरा, आपकी बेटी की 1981 जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताई है, इसमें 2012 थोड़ा सा लेटर पार्ट आ रहा है, लाइक अगस्त। अच्छा, प्लीज अपने वॉल्यूम, अपना नहीं टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें खुदा के लिए, तो ये और फोन पे सुनिए। तो ये अगस्त के बाद इनकी शादी का इंशाल्लाह सिलसिला हो जाएगा, और शादी इनकी किसी प्रोफेशनल आदमी से होगी, मे बी अ डॉक्टर और अ लॉयर, बट विद अ डिग्री एंड अ सॉलिड बॉडी। और 1981 अभी बच्ची है, इतनी कोई हाँ, बट इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी, टेंशन लेने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, और जहाँ पर भी होगा बहुत अच्छा होगा। थिंक पॉजिटिव और अच्छा अच्छा सोचें, और ये दैट्स व्हाट मरियम सेज एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू टेल यू ऑल द टाइम, प्लीज थिंक पॉजिटिव, मगर अगेन गाइडेंस की बहुत सख्त जरूरत होती है, के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। रुकना है ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद कॉल्स लेंगे, और जो हमारा आज का टॉपिक है नजरे बद के हवाले से, यानी नजरे बद का जो तोड़ है वो किस तरह से हो सकता है, मजीद आपको इस हवाले से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रुकना है ब्रेक के लिए, विल सी आफ्टर द ब्रेक।